आप सबका दिल से स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? प्लास्टिक सर्जरी का आपने नाम सुना है ना, मैं जाह्नवी कपूर के बारे में कुछ बताऊंगा, पहले और अभी, और उस पर पब्लिक रिएक्शन। शर्लिन चोपड़ा के बारे में चीज़ें बताऊंगा, पहले, अभी और पब्लिक रिएक्शन। उसके अलावा जो मेरे वीडियो का मेन पार्ट रहता है, एंड में स्टोरी। एक लड़की जॉब पर से थकी हुई आ रही है और स्टेशन पर उसे शैतान मिलता है। हाँ, उसे शैतान मिलता है। अब डेफिनेटली उसके पास मुश्किल आने वाली है, मुश्किल से लड़ने वाली है, या फिर शैतान टेक ओवर कर लेगा उसके ऊपर और उसे मार डालेगा। हर जगह पर ट्विस्ट और टर्न है। शैतान ऐसी चीज़ें करने वाला है उस लड़की के साथ, आप सोच भी नहीं सकते। अंत में है वो कहानी, वो कहानी मिस मत करना। उसके अलावा विद्या बालन ने नेपोटिज्म के ऊपर क्या कहा, सलमान खान ने डिफरेंस बताया संजय लीला बंसाली के साथ काम करके और सूरज बड़जात्या के साथ काम करके। दुबई में इतनी बारिश हुई, हम थोड़ा सी दुबई में क्या चल रहा है वो देखेंगे। उसके अलावा एक कॉमेडी क्लिप, तो हम वीडियो चालू करते हैं। लेकिन उसके पहले जो हम रोज़ करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर, ये पूरी दुनिया में अमन शांति रहे। जो इंसान बहुत मेहनत करता है, ऊपर वाला उसे कामयाबी दे। हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे। आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे। हर बच्चा बड़ा होने के बाद माँ बाप को बहुत खुशियाँ दे, माँ बाप की रिस्पेक्ट कर। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और ऊपर वाला ना करे। अगर तकलीफ़ और प्रॉब्लम आती भी है, उस पर विश्वास रखना, सब्र, पेशेंस रखना, तकलीफ चले जाएगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, ऊपर वाला हर इंसान को अच्छा दिमाग दे, अच्छी सोच दे, ताकि उससे कभी कोई गलत काम ना हो सके। हम वीडियो चालू करते हैं। ये जाह्नवी कपूर का आपने फोटो देखा। अब हम चलते हैं थोड़ा टाइम पहले, देखिए जाह्नवी का वीडियो। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पर पब्लिक ने क्या कहा। नो सर्जरी, जस्ट लिप फिलर्स एंड फिलर, ओके फेस। इसका रिप्लाई आता है, शी गॉट अ नोज जॉब, लिप जॉब, जॉ लाइन सर्जरी, देयर्स नो डिनाइंग दैट, जस्ट टेक अ गुड लुक एट हाउ ड्रेस्टिकली हर फेशियल स्ट्रक्चर हैज चेंज फ्रॉम 18 to 22। इन्होंने लिखा है, दे कांट स्पीक इन हिंदी ऑफ स्क्रीन, बट ऑन स्क्रीन दे स्पीक फ्लुएंटली इन हिंदी, हाउ? इसका रिप्लाई आया, शी कैन स्पीक हिंदी नाउ, बिफोर डेब्यू दे गो फॉर हिंदी डिक्शन क्लासेस एंड लर्न, रीडिंग मेमोराइज लाइन्स इज ईजियर देन टॉकिंग स्पॉन्टेनियसली ऑफ स्क्रीन, प्लस शी हैज़ एन ऑड एसेंट, सो मच प्लास्टिक सर्जरी नाउ, शी चेंज्ड एवरी फीचर ऑन हर फेस, शी वॉज एबल टू स्माइल बिफोर सर्जरी, नोज चेंज टोटली। ये लास्ट कमेंट लेते हैं, शी वॉज प्रीटी जस्ट अ टीनेजर, इवन इफ शी डिडंट चूज एनी सर्जरी शी रिमेन्स ब्यूटिफुल। ये शर्लिन चोपड़ा का पुराना पिक। अब हम देखते हैं शर्लिन चोपड़ा का वीडियो। जो लड़की आए दिन मीडिया के सामने कहती है कि मैं जरूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज बनना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, पहले वो अपने लिए कुछ कर ले। अब इस पर हम सबसे पहले देखते हैं पब्लिक रिएक्शन, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी बात करता हूँ। बट वॉट अबाउट योर फेस मैडम, एट फर्स्ट आई थॉट कोई फनी फिल्टर लगाया हुआ है वीडियो पे, लिप्स ऑन फेस, फेस ऑन लिप्स, इससे अच्छी तो राखी सावंत ही दिखती है, परफेक्ट कैरेक्टर फॉर डिज्नी, हर लिप्स, माय गॉड, शक्ल देख के डर लग रहा है, प्लास्टिक की दुकान, इसके लिप्स पर मधुमक्खी ने काटा है क्या, कल तक तो राखी के साथ थी, डोनाल्ड डक, व्हाट हैपेंड टू हर फेस, इम्प्लांट गलत जगह हो गया, प्लास्टिक सर्जरी गॉन रॉन्ग, फेस खराब कर लिया बैटर के चक्कर में, बंदर जैसा फेस बना डाला है, पूरा आगे निकल आया है, गोरिल्ला ने किस की है क्या। ये लास्ट कमेंट लेते हैं, दे डोंट कीप मिरर्स एट होम आई थिंक, ऑल इम्प्लांटेड फेस लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर, सेम प्लास्टिक सर्जन में भी। अगर हम ये माने कि जाह्नवी ने प्लास्टिक सर्जरी की, तो जाह्नवी की सक्सेसफुल हुई, और शर्लिन ने की प्लास्टिक सर्जरी तो उसकी फेल हो गई। ये दो वीडियो बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद था, ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया है, हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो है ना, वो हमारी तकदीर लिखता है। अगर हमारी तकदीर में पैसा है
हम मेहनत करेंगे और आ जाएगा, बट अलग चीज़ें करके ऊपर वाले ने जो बनाया है उसे छेड़कर आप अगर कोई चीज़ करने जाओगे और उसमें नाकामयाबी मिली तो पैसा तो नहीं आया, ऊपर वाले ने जैसा बनाया था उसे आपने छेड़ दिया और अब आपको उसी के सहारे पूरी ज़िंदगी बिताना। अब अगर आप उसे ठीक करने भी जाओगे तो भी 19-20 का फ़र्क हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं हुआ तो और मुसीबत में। बेटर है ऊपर वाले ने जैसा बनाया है वैसे रहो। मेहनत है ना, मेहनत सब चीज़ का जवाब है। जब आप मेहनत करोगे तो वो देखेगा, वो अपने आप सब चीज़ें ठीक करेगा। बाकी आप छेड़छाड़ करने जाओगे अपने शरीर के साथ तो मुश्किल आ सकती है। जब विद्या बालन को पूछा गया नेपोटिज्म के ऊपर तो सुनिए उनकी राय। I've never known how to respond to this question because I feel nepotism or no nepotism, I'm here. You know, किसी के बाप की इंडस्ट्री नहीं है। हम देख लेते हैं थोड़े दुबई के हालात। एक छोटी लड़की थी, उससे गर्मी लग रही थी। चलो डायरेक्ट आपको वीडियो ही दिखाता हूँ। डैडी, मैं क्या कह रही थी, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ तो एसी लगवा लो ना। सोचते हैं कुछ। थैंक यू डैडी। अब तो नहीं लग रही गर्मी? नहीं नहीं डैडी, अब तो ठीक है, बहुत ठंडा लग रहा है। वीडियो चालू है तो मैं छोटा सी एडवांटेज ले लेता हूँ। हाँ, सलमान खान का वीडियो बाकी है, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बाकी है, लेकिन उसके पहले आप सबका थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी कल की वीडियो लाइक की, कमेंट किया, जो आज की वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आप वीडियो लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो, आप चैनल पर आते हो, आप वीडियो देखते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सलमान खान एक इंटरव्यू में बताते हैं, सूरज बड़जात्या और संजय लीला बंसाली जब किसी एक्टर से काम लेते हैं तो उनका तरीका क्या है एक्टर से काम लेने का, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है जब वो एक्टर से काम लेते हैं। देखिए वीडियो। बेस्ट क्वालिटी एवर दैट ही हैज एज अ डायरेक्टर व्हिच एवरी डायरेक्टर शुड हैव इज हिज टेंपरामेंट, द वे ही इज ऑन द सेट। आई वर्क विद अदर डायरेक्टर्स आल्सो। वन डे आई सॉ संजय लीला बंसाली यलिंग, अपेरेंटली डज दैट क्वाइट अबाउट लॉट यलिंग, आई हैड टू टेल हिम, आई सेड नो आई थिंक यू शुड गो एंड हैंग आउट विद सूरज फॉर अ बिट, या जस्ट गो सी हाउ सूरज बड़जात्या डायरेक्ट्स। What is it, throwing things and stuff like that? So he was like, yeah, yeah, I've just been losing it. एक लड़की जॉब से थकी हुई आ रही है और उसे स्टेशन पे कौन मिलता है? माइम। ये माइम शैतान है। अब वो क्यों शैतान होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेशन के अंदर आ रही है, फीमेल को ट्रेन पकड़ना है, घर पर जाना है। ये शैतान क्या करता है, मतलब माइम क्या करता है, लड़की के सामने से हाथ निकालता है और नंबर डायल करता है। बाजू में टेलीफोन बूट रहता है, वहाँ पर रिंग बजती है। अब फीमेल रहती है, वो ये शैतान को पूछती है, ये तूने किया है यहाँ पर जो बेल रिंग हो रही है? तो वो कहता है हाँ। तो फीमेल फ़ोन उठाती है, अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, उसे जाने के लिए लेट हो रहा है वो फीमेल को। वो फीमेल रख डालती है फ़ोन और ये शैतान को कहती है, सॉरी सॉरी, मुझे ट्रेन पकड़ कर घर पर जाना है, लेट हो रहा है, नाइस ट्रिक। अब वो वहाँ से गई, शैतान को गुस्सा आ गया, क्यों इसने फ़ोन रख दी, क्यों इसने ज़्यादा टाइम तक बात नहीं किया। अब वो फीमेल स्टेशन पर जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और वो अचानक इस तरफ देखती है तो शैतान उसके बाजू में बैठा होता है। फीमेल डर जाती है, सेम वो शैतान भी डर जाता है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। अब शैतान क्या करता है, ऐसे करके हाथ ऊपर करता है, जो सामने फीमेल रहती है वो भी ऐसे करके हाथ ऊपर करती है। मतलब क्या है, शैतान है ब्लैक मैजिशियन, शैतान ने फीमेल के हाथ का कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया है। शैतान ने ऐसा किया तो फीमेल भी ऐसा करने लगी, उसके बाद शैतान ने फिर से कंट्रोल दे दिया, मतलब नॉर्मल कर डाला सब चीज़ें। अब वो फीमेल डर गई, फीमेल ने कहा वेरी फनी, उठकर फीमेल जा रही है, जैसे वो उठती है सेम वैसे ही ये भी उठता है शैतान। फीमेल ऐसे जा रही है उससे दूर क्योंकि फीमेल को डर लग गई है, आधी रात है और ये कौन मिल गया है, और शैतान उसके अपोजिट साइड जा रहा है। फीमेल टर्न करके देखती है क्या शैतान है, तो शैतान भी टर्न करके देखता है और शैतान इविल स्माइल देता है। उसके बाद फीमेल जाकर दूसरी बेंच पर बैठ जाती है। फीमेल लेफ्ट देखती है, कोई नहीं होता है, राइट देखती है, कोई नहीं होता है। अब वो सुकून से बैठी है, बच गए, एप्पल निकालती है और एप्पल की एक बाइट मारती है
और उसी वक्त उसकी नज़र जाती है सामने, तो शैतान सामने बैठा होता है। फीमेल उसे देख के थोड़ा स्ट्रेस में आ जाती है। फीमेल दूसरी बाइट खाने जाती है तो उसका हाथ ऊपर ही नहीं हो रहा है। वो हाथ की तरफ और एप्पल की तरफ देख रही है फीमेल और कहती है, कमऑन, मेरा हाथ क्यों ऊपर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी नज़र जाती है सामने तो शैतान ने उसके हाथ का कंट्रोल फिर से ले लिया होता है। उसके बाद शैतान हाथ ऐसे करता है तो फीमेल का हाथ भी ऐसे होता है। शैतान हाथ नीचे करता है तो फीमेल का हाथ भी नीचे होता है। शैतान हाथ ऐसे करता है तो फीमेल का हाथ भी ऐसे होता है। फीमेल डर जाती है। फीमेल उसको पूछती है, ये तू कैसे कर रहा है। तो शैतान खुद का हाथ ऐसे करता है, सेम वो फीमेल करती है। शैतान ने उसका मुँह भी बंद कर डाला, मतलब शैतान ने इसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया है। शैतान देखता है इस तरफ से ट्रेन आ रही है। शैतान खड़ा होता है। अब फीमेल भी खड़ी हो जाती है। शैतान एक स्टेप आगे रखता है। फीमेल समझ गई है, ये चाहता है कि मैं ट्रेन आ रही है उसके नीचे आ जाऊँ। तो फीमेल कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका कंट्रोल तो सामने वाले के हाथ में। फीमेल भी एक स्टेप आगे चलती है। शैतान और एक स्टेप आगे चलता है। फीमेल भी और एक स्टेप आगे चलती है। शैतान और एक स्टेप आगे चलता है। फीमेल आगे आ जाती है। ट्रेन इस तरफ है। ट्रेन आई, ट्रेन ने उड़ा डाली उसे। एप्पल गया शैतान की तरफ। शैतान ने एप्पल खाया और चले गया। कहानी वहाँ पर ही ख़त्म। सिर्फ एंटरटेनिंग स्टोरी थी। शैतान ने कंट्रोल ले लिया लड़की की बॉडी का, इसलिए उसके मुताबिक वो लड़की कर रही थी। ब्लैक मैजिशियन था शैतान। क्योंकि शैतान की वो लड़की ने बात नहीं सुनी इसलिए इतना बुरा किया उसके साथ। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।